Hello students, good morning to all of you. Yesterday we were discussing about the topic generation of computer. Today we continue that topic. So let's start. आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की. फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1975 से लेकर 2005 के बीच में माना जाता है. 30 ईयर्स के ड्यूरेशन में बहुत सारे चेंजेस आए. वो सारे चेंजेस बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर बनने के कारण आए. माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस, प्रोसेसर डिवाइस, जो कि बहुत छोटी साइज में था और जिसके कारण कंप्यूटर की साइज भी छोटी हो गई थी. और ये आईसीज पर वर्क करते थे जिसके कारण टेम्परेचर भी कम जनरेट होता था और इनकी इनको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने लगे. इसका मतलब हमें एसीज की ज़रूरत कम पड़ गई थी. और ये बड़े चेंजेस होने के कारण कंप्यूटर को हम लोग अपने घरों में यूज़ करने लगे. फिर बात करते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर्स की. ये पर्सनल कंप्यूटर या पीसी एक बड़ा बदलाव था जिसके कारण फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बहुत पॉपुलर हुए. इनमें भी थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आए. पहला था पीसी, पीसी एक्सटी और पीसी एटी. ये अपने मैन्युफैक्चर के कारण जाने गए. पीसी में नॉर्मल पीसी जिसमें कि हमारे पास एक लिमिटेड मेमोरी होती थी. फिर आया पीसी एक्सटी जिसमें हमें एक फ्लॉपी ड्राइव और एक हार्ड ड्राइव की स्पेस दी गई थी. फ्लॉपी ड्राइव आपकी एमबीज में वर्क करती थी, लगभग 1.3 एमबी, 2.88 एमबी तक वो वर्क करती थी. बट जीबी जो हार्ड डिस्क में आपकी आई वो एमबीज में आई, 10 एमबीज तक यहाँ पर हम लोग वर्क कर सकते थे. 100 एमबीज में भी हार्ड डिस्क अवेलेबल कराई गई. फिर आया पीसीएक्सटी. पीसीएक्सटी में जो एक्सटी वर्ड है वो आपका एक्सटेंडेड के लिए यूज किया गया, मतलब मेमोरी की साइज को बढ़ाया गया था इसलिए एक्सटेंडेड बोला गया. फिर पीसीएटी में जो एटी है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए बताया गया है, जिसमें कि दो फ्लॉपी ड्राइव हमारे पास हो गई थी और हार्ड डिस्क जो थी वो साइज डबल कर दी गई थी एक्सटी के कंपैरिजन में. तो हम लोग 200 एमबीज में लगभग डेटा को स्टोर कर सकते थे और वो बढ़ा कर कहीं कहीं पे 500 एमबीज तक कर दिया गया. फिर वो जीबीज में आ गया. तो ये बहुत बड़े बदलाव हुए जिनके कारण हम लोग डेटा को, ज़्यादा डेटा को अपने पास कलेक्ट करके रख सकते थे. इस जनरेशन में एक पेंटियम ने बहुत बड़ा बदलाव किया. पेंटियम इंटेल का एक प्रोसेसर जिसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली और इसकी बहुत सारी सीरीज बाज़ार में आई, जिसमें पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, पेंटियम कोर्स आए. कोर्स में भी कोर 1, कोर 2, ड्यूअल कोर जिसे हम कहते हैं और फिर क्वाड वगैरह. इन्हीं के साथ साथ कुछ कंपनीज थी जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी, जिसमें एचपी, कॉम्पैक्ट, लेनेवो, डेल और इंटेक्स आते हैं. ये सारी कंपनीज आपके लैपटॉप्स बनाने के लिए हैं. मोस्टली इनके लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और हम लोग ये मोबाइल कंप्यूटर्स के कारण फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बहुत पॉपुलर है. बहुत सारे सिस्टम्स अभी भी आप वर्क में लेते हैं. अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में बेसिकली एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि हम लोग इंटेलिजेंस पे वर्क करने लगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस हमें वॉइस रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था. पासवर्ड के लिए हम लोग आई रेटिना का यूज़ करने लगे, फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करने लगे, वॉइस रिकॉर्डर का यूज़ करने लगे. वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू आपकी आवाज़ पर पासवर्ड एक्टिवेट होता. और कुछ गेम्स आए जिसमें कि एक पोकेमॉन गेम आया जिसको हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट को देखते हुए खेल सकते थे. मतलब आप जिस जगह पर हैं उसके आसपास की चीज़ों को उस फोन में ऑटोमेटिकली आप देख सकते थे, जिसके लिए जीपीएस वर्क करता था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और जिसके कारण आप ये
वर्चुअल एनवायरनमेंट को महसूस कर सकते थे गेम में। इसका और एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आप लोग कभी मॉल गए होंगे तो वहां पर गेमिंग पोर्ट्स होते हैं। गेमिंग फ्लोर पर जब आप जाएंगे तब वहां पर आपको कुछ गेम्स दिखाई पड़ेंगे जिनमें आपको गॉगल वेयर करना पड़ता है और आपको उस एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया जाता है। आपको लगता है कि आप फ्लाइंग कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप बॉक्सिंग कर रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप महसूस कर पाते हो उस एटमॉस्फेयर के साथ में। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें ज़्यादातर जो गैजेट्स होते हैं वो सिमुलेटर्स पर वर्क करते हैं। मतलब आपको लगता है कि आप वो चीज़ कर रहे हो और उसमें आपको चोट ना के बराबर लगे। मतलब रिस्की गेम्स जो होते हैं उन्हें आप एक्चुअल में खेलने से पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप उसमें परफेक्शन हासिल कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।